राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर ईडी, सीजीपीएससी और शराब घोटाले को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 75 लाख रुपए लेकर लोगों को सीजीपीएससी में पास करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल और देश की जनता के विश्वास और विकास के 9 साल पूर्ण हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर बूथ से लेकर लोकसभा स्तर तक कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पूरी कार्य समिति और पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें हमारे सांसद संतोष पांडे जी, मधुसूदन यादव जी, अशोक शर्मा जी, रमेश पटेल जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें एक कार्य योजना पे चर्चा किया। महाजनसंपर्क अभियान, इसमें एक एक कार्यकर्ता का दायित्व तय हुआ है, मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर बूथ स्तर तक। माननीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी कार्यकाल के 9 साल 30 मई को पूरा होने जा रहे हैं और इस 9 साल की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए डेवलपमेंट के काम जो 9 साल में हुए हैं वो जनता तक ले जाने का काम इस महाजनसंपर्क अभियान में होगा, जहां बूथ स्तर तक के कार्यक्रम होंगे, मंडल में होंगे, विधानसभा में होंगे और बड़े लोकसभा स्तर में भी बड़े कार्यक्रम होंगे। ये पूरे कार्यक्रम में सरकार और सरकार के साथ छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं, भूपेश बघेल जिस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके पोल खोलने का काम, जाबो गोठान खोलबो पोल और गोठान में जाने का कार्यक्रम भी 21, 22, 23 तारीख को मई में रखा गया है। तेंदुपत्ता की इनकी नीतियों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे वनवासी भाइयों को हो रहा है, उसके लिए भी कार्य योजना बना के पूरे प्रदेशव्यापी अभियान चल रहा है। मुझे लगता है सरकार आकंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 2000 करोड़ का घोषित घोटाला शराब में कांग्रेस के शासनकाल में भूपेश जी के नेतृत्व में ईडी ने साफ शब्दों में न्यायालय में अपने पक्ष रखते हुए बताया कि कैसे 2000 करोड़ रुपया, ये सरकार कोयले में 25 रुपया की वसूली कर रही है, ये सरकार धान चावल पे, गरीबों के चावल में 600 करोड़ का घोटाला कर चुकी है, अब ये गौठान में 1300 करोड़ रुपया का जनता की गाड़ी कमाई का भी अपव्यय किया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर और केंद्र की उपलब्धियों को लेकर जन जागृति करेंगे। संदेह के घेरे में न केवल सोनवानी है बल्कि पूरा पीएससी के किए गए एग्जाम में जिस प्रकार की चर्चा बाजार में है, जिस प्रकार आम आदमी चर्चा कर रहे हैं, 15 साल हम लोगों ने पीएससी किया, एक आरोप कोई लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। बाजार में खुलेआम चर्चा है 75 लाख रुपया लेकर पीएससी में लोगों को पास करने का काम किया है। चेयरमैन और चेयरमैन के परिवार के लोग, अधिकारियों के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे, पहली बार हो रहा है कि ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो कभी 10वीं और 12वीं एग्ज़ाम में जिनका परसेंटेज 50% से भी नीचे था, आज वो टॉप में और ऊपर में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ की है। माननीय गवर्नर ने लोगों के जो शंका और ज्ञापन दिया था, सही कदम उठाया है। इन पूरे मामलों के तथ्यों के साथ जानकारी होना चाहिए। आप जब शराब की दुकान में 30% बिक रहा है बिना सरकार के अधिकृत रूप से, बिना टैक्स पटाए, बिना उसमें वेट लगाए, बिना एक्साइज ड्यूटी किए, बिना होलमार्क के अवैध शराब दुकान, तो सरकार खुद बेचने का काम कर रही है, जिसकी ना गुणवत्ता का कोई ठिकाना और इसमें लोग बीमार पड़ रहे हैं और मौत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का एकजुट ना होने का कोई